मौसम में बदलाव, आज 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, बादलों की आवाजाही, जाने मौसम पर ताजा अपडेट। नमस्कार, मैं रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। हवा का रूप बदलने और पश्चिमी विक्षोभ के साथ चक्रवात के प्रभाव के चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव आ गया है। आज 35 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान बादलों की आवाजाही, तेज हवा और आंधी चलने का अनुमान है। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से संभावित तारीख 16 जून के पहले ही प्रदेश में आने की प्रबल संभावना बन रही है। आज सोमवार को बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, दतिया, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा, मऊगंज, सतना, मेहर, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और पांडुना जिले में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, शिवपुरी और पन्ना जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। MP मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 जून को हवाएं चलने से आसमान से बादल छाएंगे, दिन रात के तापमान में राहत मिलेगी। 4 जून को बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, सिवनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और बालाघाट में बारिश के साथ आंधी की आशंका है। 5 जून को हवाओं की नमी मिलने से रात का तापमान बढ़ेगा, लेकिन दिन में सामान्य रहेगा। 6 से 7 जून को पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होगा, जिससे तापमान बढ़ेगा। 8 जून के बाद फिर गर्म हवाएं चलने से दिन में गर्मी बढ़ेगी और तापमान भी 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। पाकिस्तान के मध्य में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात है। इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है। हवाओं का रुख पश्चिमी होने लगा है, इसके चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। अब मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आने के आसार है। MP मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। संभावना है कि मध्य प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच तो इंदौर में 16 जून और भोपाल में 18 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। आज नौतपे की समाप्ति के बाद प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और तेज गर्मी से राहत मिलेगी। इस साल मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। इस साल मानसून ज्यादा समय तक सक्रिय रहेगा, ऐसे में पूरे समय पर्याप्त बारिश कराएगा। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।